जय जिनेंद्र। मित्रों, एक अत्यंत ही दुखद घटना घटित हुई है। श्री डहेला वाला समुदाय के परम पूज्य गच्छाधिपति श्री विजय अभय देव सूरीश्वर जी महाराजा के आज्ञानुवर्ती पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री चारित्र पूर्णा श्री जी एवं मुक्ति पूर्णा श्री जी की परम शिष्य पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मौलिक पूर्णा श्री जी महाराज साहब का विहार में दुखद काल धर्म हो गया है। दिनांक 19 फरवरी को सवेरे लगभग 5:30 बजे पूज्य साध्वी जी भगवंत का कर्जत से नेरुल गांव की ओर विहार चल रहा था। लगभग 5:40 पर विहार में एक गंभीर अकस्मात हो गया। मित्रों, तेज गति से आए एक वाहन ने पूज्य साध्वी जी भगवंत को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूज्य साध्वी जी भगवंत का मौके पर ही दुखद काल धर्म हो गया। पूज्य साध्वी जी भगवंत के साथ चल रही विहार सेवा ग्रुप की श्राविका लता बहन का भी साध्वी जी के साथ घटना स्थल पर ही दुखद निधन हो गया। एक ओर श्राविका दिवाली बहन को गंभीर अवस्था में पनवेल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मौलिक पूर्णा श्री जी महाराज साहब एवं श्राविका लता बहन की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पूज्य साध्वी जी भगवंत तपस्वी एवं ज्ञानी थे। उनकी आयु 53 वर्ष थी और उनकी दीक्षा पर्याय 30 वर्ष थी। मित्रों, विहार में हुई दुर्घटनाओं में ये अब तक की सबसे भयावह एवं हृदय विदारक दुर्घटना थी। टक्कर के बाद पूज्य साध्वी जी भगवंत का मुख एवं सर बुरी तरह से चिपक गया था। अंतिम पालखी यात्रा में पूज्य साध्वी जी भगवंत के गंभीर क्षतिग्रस्त मुख को उनका फोटो रखकर ढका गया। मित्रों, ऐसी घटना को सुनकर ही हृदय कांप गया है तो सोचो कि पूज्य साध्वी जी भगवंत को कितनी असहनीय पीड़ा एवं वेदना हुई होगी। इस घटना के बाद समाज ने भारी रोष प्रकट करते हुए आरोपी वाहन चालक को पकड़ने की मांग की। कर्जत नगर को बंद रखा गया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 10 घंटों में आरोपी हत्यारे वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मित्रों, विहार में ऐसी दुखद घटनाएं घटित हो रही है, फिर भी हम लोग नहीं जाग रहे हैं। जागो जैनो जागो। पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत हमारे लिए सर्वोच्च पूजनीय है और उनकी सेवा सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। विहार में पुलिस की गाड़ी सुरक्षा व्यवस्था हेतु साथ में चलनी ही चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी दर्दनाक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। मित्रों, हम सभी श्री जिनेंद्र प्रभु से विनंती करते हैं कि परम पूज्य साध्वी जी भगवंत एवं विहार सेविका बहन को उच्चतम गति प्राप्त हो। जय जय नंदा, जय जय भद्दा, ओम शांति।